अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्या स्टोरी है। तो आज की स्टोरी है पाकिस्तान की इंतहाई ताकतवर 6 खुफिया एजेंसियाँ। किसी भी मुल्क की हिफाजत के लिए फौज का किरदार इंतहाई अहम होता है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करना फौज के औलेन तरजीह होता है, लेकिन दुश्मन ममालिक मुल्क में बेरोपियों की शक्ल में दाखिल होकर भी साजिश कार्रवाइयाँ करने लगते हैं, जिनसे महफूज रहने के लिए खुफिया अदारे कायम किए जाते हैं। ये इदारे अपने मुल्क में मौजूद गैर मुल्की जासूसों को पकड़ कर ना सिर्फ इनकी साजिश नाकाम बनाते हैं, बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद गिरदारों को भी अपनी गिरफ्त से जकड़ते और अंदरूनी तौर पर भी मुल्क की हिफाजत यकीनी बनाते हैं। अमेरिका की CIA, FBI की मानन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ खुफिया इदारे कायम हैं, जो मुल्क के गिरदारों और मुल्क में छुपे दुश्मनों की साजिश नाकाम बनाते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान की इंतहाई ताकतवर 6 इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, स्पेशल ब्रांच। ये पाकिस्तानी पुलिस का एक अदारा है। ये अदारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अफसर के मातहत अपने फ़र्ज़ सरंजाम देता है। इस अदारे का काम हुकूमत पर नज़र रखना होता है। ये अदारा हुकूमती पॉलिसी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये पाकिस्तानी अवाम की जान माल की हिफाजत और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अपनी खिदमात सरंजाम देता है। इस डिपार्टमेंट के दफातर मुल्क के 9 खितों में तकसीम हैं और हर खिते का सरबरा अलग होता है। नंबर 2, FIA। इस अदारे का मुकम्मल नाम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसका क्याम 1975 में अमल में आया। FIA के अहलकारों की तादाद के बारे में किसी भी शख्स को इल्म नहीं है। इन अहलकारों को खुफिया रखा जाता है। आगाज़ में इस अदारे का काम मुल्क में होने वाली करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर जराइम की रोकथाम था, लेकिन बाद में इसे वसी कर दिया गया। इमिग्रेशन से मुतल्लिका अमूर और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम भी अब इसके मातहत है। इसके अलावा FIA पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करता है। नंबर 3, CTD। पाकिस्तान के इस इंटेलिजेंस एजेंसी का पूरा नाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। इस अदारे की बुनियाद 1995 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने रखी थी। आगाज में ये सिर्फ एक छोटा ऑपरेशन यूनिट था, लेकिन अब ये एक मुकम्मल डिपार्टमेंट बन चुका है। इस अदारे का काम मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक तहकीकात करना और दहशतगर्दों से मुकाबला करना है। इस अदारे के एहलकारों को खुफिया और जदीद तरीकों से तरबियत दी जाती है। इस अदारे का काम दहशतगर्दी से मुतालिक मालूमात हासिल करना और इसे नाकाम बनाना है। नंबर 3, MI। MI का मुकम्मल नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसे 1948 में कायम किया गया था। ये पाकिस्तान आर्मी का एक खुफिया अदारा है और इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में है। इस अदारे के अहलकार यूनिफॉर्म में होते हैं और ये अदारा रियासत के खिलाफ तकरीबी सरगर्मियों करने वाले अफराद के खिलाफ मुंजम अंदाज में कार्रवाई करता है। ये अदारा पाकिस्तान की तीनों फोर्सेज यानी बहरी, बेरी और फजाई अफवाज के लिए अपनी खिदमत सरंजाम देता है। ये पाकिस्तान में गैर मुल्की जासूसों को पकड़ने और सील्स के खात्मे का काम करता है। नंबर 3, IB। पाकिस्तान के इस खुफिया अदारे का पूरा नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस अदारे का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में कायम है। इस अदारे के तमाम ऑपरेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मंजूर शुदा होते हैं। इस अदारे का बुनियादी काम सियासतदानों और सियासी सरगर्मियों पर नज़र रखना होता है। इसके अलावा ये अदारा दहशत गर्दों और देकर के ममालिक के खुफिया एजेंसियों को भी पकड़ता है। नंबर 6, ISI। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुफिया अदारा है। इस अदारे का मुकम्मल नाम इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। इस अदारे की बुनियाद 1 जनवरी 1948 को रखी गई थी। इस अदारे का हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद में है। इस अदारे के अहलकारों को खसूसी तौर पर आर्मी, एयरफोर्स और बैरियो फौज में से मुंतखब किया जाता है। इस अदारे का DG एक 3-स्टार पाक आर्मी फौज होता है। ये DG वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानब से तजवीज़ किया जाता है। इस खुफिया अदारे के एजेंट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये अदारा बैन अवी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये अंदरूनी इंटेलिजेंस और बैरूनी इंटेलिजेंस दोनों का काम सरंजाम देती है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस अदारों में से एक है और दुनिया की नंबर 1 टॉप पाकिस्तान एजेंसी है।
मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।